हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा फोर स्ट्रोक साइकिल के बारे में, जो कि हमारे इंटरनल कंबशन इंजन का वर्किंग साइकिल है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चार डायग्राम बना के रखे हैं, क्योंकि हमारे चार स्ट्रोक्स होते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक है हमारा इंटेक यानी सक्शन स्ट्रोक, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, थर्ड हमारा पावर, एंड फोर्थ इज एग्जॉस्ट। एक्चुअली सक्शन, पावर, सक्शन, कॉम्प्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट में एक्चुअली होता क्या है, तो मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। सो पहला जो हमारा स्ट्रोक होता है, जो हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है, इसमें जो हमारा पिस्टन होता है वो एक्चुअली टॉप में होता है और टॉप से हमारा नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। ओके, इससे क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है और सक्शन तैयार होता है, और यहाँ पे सेम टाइम पे सक्शन वाल्व ओपन हो जाता है और जो हमारा फ्यूल का और एयर का मिक्सचर है वो हमारे सक्शन वाल्व के थ्रू हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर आ जाता है। सो इस तरीके से जब हमारा TDC से BDC ट्रैवल होता है तो हमारा सक्शन स्ट्रोक परफॉर्म होता है। ओके, सो इस आप सिंपल जान सकते हैं कि सक्शन स्ट्रोक में मेन हमारा क्या है, सक्शन ऑफ फ्यूल एंड एयर फ्यूल मिक्सचर होता है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रोक जो है हमारा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होता है। सो इस स्ट्रोक में एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो पिस्टन है वो BDC से TDC को ट्रैवल करता है, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पर ट्रैवल करता है। इससे इस टाइम पर क्या होता है कि जो हमारा सक्शन वाल्व है और जो एग्जॉस्ट वाले दोनों क्लोज हो जाते हैं, और जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर जो इस कंबशन चैम्बर के अंदर मौजूद है वो पिस्टन के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से कॉम्प्रेस होता है और उसका प्रेशर राइज हो जाता है। ओके, जैसे ही हमारा BDC से TDC पहुंच जाता है तो हमारा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रोक है वो हमारा है पावर स्ट्रोक। तो इस स्ट्रोक में एक्चुअली होता क्या है, ये स्ट्रोक शुरू होता है हमारे जब हमारा पिस्टन टॉप पोजिशन में होता है एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। तो जैसा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक हमारा एंड होता है तो वहाँ पे हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर हाईली कॉम्प्रेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, एट द सेम टाइम जब वो टॉप में होता है तो हमारा स्पार्क प्लग जो कि है वो हमारा इग्नाइट होता है। इससे क्या होगा कि हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो हाईली कॉम्प्रेस्ड मिक्सचर जो है वो बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है। एक्चुअली इन शॉर्ट सिंपल आप समझ सकते हैं कि ब्लास्ट होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो पिस्टन है वो फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। ओके, और हमारे पास जो पावर, जो हमारे पावर प्रोड्यूस होती है इससे, जो फ्यूल से। ओके, बाकी आप देख सकते हैं इन दोनों के टाइम पे हम लोगों ने पावर सप्लाई की थी सक्शन के लिए भी और कॉम्प्रेशन के लिए भी, लेकिन यहाँ पे फ्यूल बर्न होने की वजह से पावर जनरेट हुई है और हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रोक है, लास्ट स्ट्रोक है, वो हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, या फिर एग्जॉस्ट, इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, इस स्ट्रोक में क्या होता है कि जो हमारा एक्सपांशन होने के बाद जब हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर टोटली बर्न हो जाता है वो हमारा गैस के फॉर्म में आ जाता है। ओके, सो इसको बाहर निकालना है, तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है कि हमारा पिस्टन जो है फिर से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन इस वक्त क्या होता है हमारा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट जो हमारा पोर्ट है, वाल्व है, इस टाइम ओपन है। ओके, इस ओपन वाल्व से क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर चली जाती हैं। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सिंपल देख सकते हैं आप, मैं एक बार फिर से आपको हाईलाइट बता सकता हूँ कि यहाँ पे हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर आता है सक्शन स्ट्रोक में, इसको सक किया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रोक हमारा आता है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, जिसमें इस एयर फ्यूल मिक्सचर को तेजी से कंप्रेस किया जाता है। थर्ड स्ट्रोक जो हमारा आता है पावर स्ट्रोक, इसमें स्पार्क की मदद से कॉम्प्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट किया जाता है और बहुत ज़्यादा फोर्स से जो इग्निशन तैयार होता है उससे स्पार्क से ब्लास्ट तैयार होता है और वो फोर्सफुली पिस्टन को नीचे ढकलता है। नेक्स्ट जो लास्ट स्ट्रोक है हमारा, जो हमारा बर्न गैसेज है उसको बाहर निकालने के लिए होता है, जो कि हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। इस तरीके से हमारे IC इंजन के पेट्रोल इंजन का वर्किंग कंप्लीट होता है। नीचे मैंने सिमिलरली नेक्स्ट और भी एक सिंपल वीडियो फोटो निकाल रखा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले सक्शन किया जा रहा है, नीचे जाता है पिस्टन। ओके, आप इतना भी ध्यान रख सकते हैं कि ये सब कंप्लीशन होता है 180 डिग्री मूवमेंट ऑफ क्रैंक। एक्चुअली ये किस तरीके से, तो आपको इसके लिए मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैं आपको पावर जनरेशन और उसको प्लॉट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से पावर यूटिलाइज हो रहा है। ओके, यहाँ पे सक्शन हो रहा है, फिर यहाँ देख सकते हैं कॉम्प्रेशन के लिए पिस्टन ऊपर जा रहा है, पावर के लिए पिस्टन फिर नीचे आ रहा है, और एग्जॉस्ट के लिए फिर पिस्टन ऊपर जा रहा है। इस तरीके से हमारे फोर स्ट्रोक इंजन का वर्किंग होता है। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे इंजन की वर्किंग होती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।